तो हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैसे जो है आप अपने क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं बिल्कुल 0% फीस के साथ। गाइस, ये ट्रिक बहुत ही कमाल की होने वाली है। यहाँ पर जो है मैं फोन पे मर्चेंट एप्लीकेशन का यूज करूंगा। गाइस, मैं आपको बता दूं कि फोन पे मर्चेंट के अलावा जो है आप यहाँ पर उबर और जोमेटो एप्लीकेशन के थ्रू भी जो है अपने कार्ड के बैलेंस को बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। गाइस, लेकिन वहां पर जो है आपको एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि आप 10,000 रुपए से ज्यादा जो है एक मंथ के अंदर जो है अपने क्रेडिट कार्ड से बैंक में ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं। लेकिन गाइस, ये जो ट्रिक आज मैं आपको बताने वाला हूं, इसमें आप 10,000 रुपए से ज्यादा भी बहुत ही आसानी से जो है आप अपने क्रेडिट कार्ड से बैंक में ट्रांसफर कर पाएंगे। एक रुपया भी आपको वहां पर एक्स्ट्रा नहीं पे करना होगा। तो गाइस, इसके लिए जो है आपको इस वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहना होगा। जो भी स्टेप्स गाइस मैं आपको बता रहा हूं उन्हें एकदम ध्यान से फॉलो कीजिएगा, वरना फिर जो है आपको प्रॉब्लम आ सकती है और आप कमेंट सेक्शन में फिर क्वेश्चंस पूछते रहेंगे। तो चलिए अब चलते हैं सीधा मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर। तो गाइज, इस ट्रिक को एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले जो है आपको प्ले स्टोर के ऊपर जाकर के फोन पे मर्चेंट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना होगा। गाइज, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। गाइज, यहां पर जो है आप वही मोबाइल नंबर यूज कर सकते हैं जो आपका ऑलरेडी फोन पे के ऊपर यूज हो रहा है, तो मर्चेंट के ऊपर भी जो है आप सेम नंबर का यूज कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। मैंने भी सेम नंबर ही यूज किया था। जैसे ही आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे गाइज, आपको यहां पर अपना अकाउंट रजिस्टर करना होता है, तो पूरा अकाउंट रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आपको यहां पर एक बार फटाफट से करके दिखा देता हूं। तो सबसे पहले आपको जो है होम स्क्रीन के ऊपर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद जो है गाइस, आपको यहां पर फिर इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहां पर जो है आपको गेट स्टार्टेड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद फिर अगेन गाइस, इस तरीके का कुछ इंटरफेस आपको यहां पर देखने को मिलता है। यहां से आप स्टार्ट नाउ के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको आपकी बिजनेस डिटेल्स एंटर करनी होती है। यहाँ पर आप अपने बिजनेस का कुछ भी नेम रख सकते हैं और कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर फिनटेक विशाल रखा है और बिजनेस कैटेगरी मैंने यहाँ पर फाइनेंशियल सर्विसेज चूज कर ली है। तो कोई भी नेम रख सकते हैं, लोगो भी आप चाहे तो अपलोड कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आप कंटिन्यू के ऑप्शन के ऊपर सेलेक्ट करेंगे और फिर गाइज आपको अपनी लोकेशन यहाँ पर एंटर करवानी होती है। तो लोकेशन आपकी जो भी होगी ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगी। अपनी GPS सेटिंग्स को जो है यहाँ पर ऑन कर दीजिएगा लोकेशन की, तो ये ऑटोमेटिकली आपकी लोकेशन डिटेक्ट करेगा और यहाँ पर जो स्टोर नंबर है वहां पर आप अपना हाउस नंबर दे सकते हैं। उसके बाद जो है फिर गाइज आप फाइनली देख सकते हैं कि यू हैव बिन लिस्टेड। तो इतना सिंपल प्रोसेस है, फोन पे मर्चेंट के ऊपर 2 मिनट भी नहीं लगते हैं, आपका अकाउंट यहाँ पर लिस्ट हो जाता है। यहाँ से फिर अब आपको एक्सेप्ट पेमेंट्स नाउ के ऑप्शन के ऊपर सेलेक्ट करना है और अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स अब आपको एंटर करनी होगी। वो बैंक अकाउंट गाइज यहाँ पर आप एंटर करेंगे जिसके अंदर आपकी जो भी पेमेंट्स रिसीव होगी आपको इस मर्चेंट अकाउंट में, वो सारी जो है यहाँ पर जो है रीडायरेक्ट कर दी जाती है। तो यहाँ पर आप अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स एंटर कर लीजिएगा। अब गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, यहाँ पर जो है आपको इन दोनों ऑप्शंस को सेलेक्ट करना होगा। ध्यान रखिएगा, फोन पे के ऊपर वॉलेट और फोन पे के ऊपर भीम UPI, इन दोनों ही ऑप्शंस को आपको यहाँ पर इनेबल करना है गाइस। और फिर यहाँ से कंटिन्यू, इसे इनेबल करना मत भूलिएगा गाइस, ये दोनों आपको जो है चेकमार्क करना है, फोन पे वॉलेट स्पेशली मत भूलिएगा। उसके बाद जो है फिर आप यहाँ से कंटिन्यू के ऑप्शन के ऊपर सेलेक्ट करेंगे और फिर फाइनली आप देख सकते हैं कि यू कैन नाउ स्टार्ट एक्सेप्टिंग पेमेंट्स। अब 1 लाख रुपये तक की मंथली लिमिट मेरे को यहाँ पर मिली है और फिर अब यहाँ से आप एक्सेप्ट अनलिमिटेड पेमेंट्स नाउ के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही गाइज आप ये क्लिक कर देते हैं फिर आपको जो है आपकी, क्योंकि अगर आप 1 लाख रुपए तक का जो है अमाउंट अगर हर महीने रिसीव करना चाहते हैं तो आपको अपना GSTIN या फिर अपना पैन कार्ड नंबर देना होगा। GSTIN मैंडेटरी नहीं है, पैन कार्ड आप दे सकते हैं वेरीफाई करवाने के लिए। पैन कार्ड डिटेल्स एंटर करिएगा और वेरीफाई के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करिएगा और फिर फाइनली गाइज आपका वेरिफिकेशन यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं यू कैन शेयर योर QR कोड। तो फिर इसके बाद जो है आपको QR कोड की फैसिलिटी मिल जाती है। QR कोड का यूज़ करके जो है आप किसी से भी पेमेंट्स रिसीव कर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं गाइज कि मेरा पैन नंबर जो है वेरीफाई हो गया है। अराउंड जो है 4 घंटे लगे थे, मैक्सिमम 24 आवर्स के अंदर आपका फोन पे मर्चेंट अकाउंट एक्टिव हो जाता है, आपको यहाँ पर QR कोड की फैसिलिटी मिल जाती है। फिर जो है गाइज अब आगे का प्रोसेस ये है कि इस अकाउंट के अंदर जो है हम अपने दूसरे फोन पे अकाउंट से जो है क्रेडिट कार्ड से पैसे ट्रांसफर करेंगे। तो अब वो जो है, अब वो प्रोसेस मैं आपको आगे का पूरा करके दिखा देता हूं बिल्कुल लाइव। तो गाइज ये रहा मेरा दूसरा मोबाइल फोन, आप यहां पर देख सकते हैं। अब इस अकाउंट से जो है अपने मर्चेंट अकाउंट के अंदर यहां पर पैसे ट्रांसफर करूंगा। आप दोनों जो है अब स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आपको बिल्कुल लाइव करके दिखा रहा हूं। तो बिल्कुल लाइव में जो है मैं आपको यहां पर पैसे ट्रांसफर करके दिखाऊंगा, कोई भी यहां पर मेरे को एडिशनल चार्जेस पे नहीं करने होंगे। तो सबसे पहले
पहले जो है आप ये मेरा मर्चेंट अकाउंट यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। सबसे पहले गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं ऑलरेडी एक ट्रांजेक्शन कर चुका हूँ 50 रुपीज का। मेरा यहाँ पर जो है ये बिजनेस अकाउंट एक्टिवेट हो गया था 24 आवर्स के अंदर। और गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर मैं मेरी बिजनेस डिटेल्स के अंदर अगर यहाँ पर जाता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट ऑप्शन के अंदर गाइज आपको यहाँ पर नीचे दिखाई दे रहा होगा। आपको यहाँ पर जो है गाइज आप प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि यहाँ पर जो है आप पेमेंट ऑप्शन में फोनपे वॉलेट का ऑप्शन आप जरूर से इनेबल कर दें, तभी जो है फिर आप जो है वॉलेट के थ्रू पेमेंट्स यहाँ पर मर्चेंट अकाउंट के अंदर एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो गाइज अब ये मेरा नॉर्मल दूसरा वाला जो ये अकाउंट है, अब यहाँ पर आप इसकी भी जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा एक नॉर्मल यूजर अकाउंट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर। और यहाँ से जो है अब इस अकाउंट के थ्रू जो है मैं अपने इस दूसरे मर्चेंट अकाउंट के अंदर पैसे ट्रांसफर करूंगा। तो इसके लिए सबसे पहले जो है मेरे को जाना होगा यहाँ पर माय मनी के सेक्शन के ऊपर। तो माय मनी के ऑप्शन में जाने के बाद जो है गाइज माय मनी के ऑप्शन में जाने के बाद गाइज आपको यहाँ से फोन पे वॉलेट का ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। तो चलिए हम यहाँ से फोन पे वॉलेट का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद जो है गाइज फिर अब यहाँ पर जो है आप मेरा करंट बैलेंस देख सकते हैं 100 रुपीज़ है। तो यहाँ पर जो है मैं क्रेडिट कार्ड से रुपये अपने ऐड करूँगा। यहाँ पर मेरे को कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं पे करने होते हैं अगर क्रेडिट कार्ड से वॉलेट के अंदर आप रुपये ऐड करते हैं फोनपे के अंदर। आई थिंक मंथली लिमिट गाइज आई थिंक मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, आई थिंक 10,000 से ऊपर ही होती है। 1,00,000 रुपये तक शायद आप मंथली ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि 50,000 से ऊपर ना जाएँ। और एक दिन के अंदर भी आई थिंक 10,000 से ऊपर ना ही जाएं तो बेटर होगा। मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए यहाँ पर जो है 500 रुपीज़ ऐड कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ से टॉपअप वॉलेट करूँगा, 500 रुपीज़ मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए हैं। तो 500 रुपीज़ गाइज मैंने यहाँ से एंटर कर लिए हैं। उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं मेरे क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स यहाँ पर आ रही है। तो मैं अपने क्रेडिट कार्ड का CVV यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ और अब मैं टॉपअप वॉलेट के ऑप्शन के ऊपर सेलेक्ट करूँगा। टॉपअप वॉलेट के ऑप्शन के ऊपर सेलेक्ट करने के बाद गाइज अब मैं यहाँ से कंटिन्यू विद 500 टॉपअप कर रहा हूँ। और गाइज अब यहाँ पर जो है मैं पेमेंट पेज के ऊपर पहुँच चुका हूँ। आप देख सकते हैं मेरे क्रेडिट कार्ड की जो है मुझे ऑथेंटिकेट करने के लिए बोला जा रहा है ट्रांजेक्शन। तो मैं अपना यहाँ पर जो है CVV एंड OTP एंटर कर रहा हूँ और उसके बाद जो है फाइनली मैंने यहाँ पर अपनी डिटेल्स एंटर कर दी है और मेरा ट्रांजेक्शन जो है यहाँ से अभी ये कम्प्लीट हो जाएगा आई थिंक विद इन 30 सेकंड्स। तो आप ये स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि मैंने जो है मेरे क्रेडिट कार्ड से जो है यहाँ पर सक्सेसफुली रुपए अपने ऐड कर लिए हैं और यहाँ पर वॉलेट टॉपअप सक्सेसफुल लिखा हुआ आ रहा है। तो अब मेरा जो है फ़ोनपे वॉलेट का बैलेंस यहाँ पर 600 रुपीज़ हो चुका है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं गाइस, दोनों स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स को जो है मैं यहाँ पर इनेबल रखूँगा। तो गाइज अब आपके लिए मैंने यहाँ पर दोनों स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स को इनेबल रखा है, मेरे मर्चेंट अकाउंट की भी और मेरे इस नॉर्मल वॉलेट अकाउंट की भी। तो अब यहाँ पर मेरा करंट बैलेंस 600 रुपीज़ हो चुका है। अब मैं अपने इस वॉलेट के अमाउंट को यहाँ पर अपने मर्चेंट अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करूँगा। यहाँ पर जो है मेरे को कोई भी एडिशनल चार्जेस पे नहीं करने होंगे मेरे मर्चेंट अकाउंट के अंदर, ये रुपये सीधा जो है मेरे बैंक के अंदर जो है ट्रांसफर हो जाएंगे। तो अब लाइव बिल्कुल मैं आपको यहाँ पर स्कैन करके दिखाऊँगा, मेरे दोनों मोबाइल मेरे हाथ के अंदर हैं। तो अब इसके लिए जो है मैं मेरे मर्चेंट अकाउंट के ऊपर शो QR कोड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं तो मेरा QR कोड जो है स्क्रीन के ऊपर विजिबल है। और अब यहाँ पर जो है मैं मेरे दूसरे अकाउंट से यहाँ पर इसे स्कैन करूँगा तो आप ये देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर भी गाइज आपको दिख रहा होगा। और अब मैं बिल्कुल ये लाइव आपके सामने आपको यहाँ पर स्कैन करके दिखा रहा हूँ। तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है फिनटेक पिशाल, जो मेरा खुद का ही मर्चेंट अकाउंट है यहाँ पर। उसके बाद जो है मेरा फोन पे वॉलेट से भी जो है मुझे ये रुपए अपने मर्चेंट अकाउंट में भेजने का ऑप्शन मिल रहा है। तो मैं यहाँ से 500 रुपीज़ एक बार के लिए सेलेक्ट कर रहा हूँ। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं फोन पे वॉलेट मैंने यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट किया है। पे के ऑप्शन के ऊपर अब मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद और ये फाइनली मेरे रुपीज़ यहाँ पर जो है ट्रांसफर हो गए हैं सक्सेसफुली। और गाइज अब आप यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल लाइव दोनों स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स आपके सामने चालू है और यहाँ पर जो है इंस्टेंटली जो है मेरे रुपए यहाँ पर ट्रांसफर हो चुके हैं। 500 रुपीज़ मैंने यहाँ से पे कर दिए हैं। और अगर मैं ये मेरा दूसरे अकाउंट की बात करूँ यहाँ पर मर्चेंट अकाउंट की, तो यहाँ पर भी जो है मुझे 500 रुपीज़ मिल चुके हैं। मैं माई ट्रांजेक्शन के अंदर जाके आपको एक बार यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो आप वैसे भी देख सकते हैं गाइज यहाँ पर ये मुझे मैसेज आ चुका है, यू हैव रिसीव्ड 500 रुपीज़। ये देख सकते हैं कि आप मुझे यहाँ पर ट्रांजेक्शन रिसीव हो गया है 500 रुपीज़ का। और अब मैं अब आपको एक बार यहाँ पर जो है अपना ट्रांजेक्शन हिस्ट्री भी एक बार दिखा देता हूँ।
तो गाइस अब आप यहाँ के ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं कि रीसेंट ट्रांजेक्शन के अंदर मेरे 500 रुपीज यहाँ पर जो है अभी अभी मुझे रिसीव हुए हैं। और गाइस अब आप इस अकाउंट को जो है सीधा अपने बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी आपसे एडिशनल चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। पहले भी मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, अपने 50 रुपीज मैंने ट्राई करने के लिए किए थे। नीचे आप ट्रांजेक्शन देख सकते हैं। तो अब अगर मैं गेट योर सेटलमेंट नाउ के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ, यू मे नॉट हैव इनफ ट्रांजेक्शन, तो गाइस ये ट्रांजेक्शन आपको प्रोसेस करने के लिए मतलब सेटलमेंट अगर ये वैसे तो नेक्स्ट डे होता है आई थिंक मॉर्निंग में हो जाता है 9-10 बजे तक, लेकिन अगर आपको इंस्टेंटली सेटलमेंट अगर लेना है इन रुपयों का तो इसके लिए आपको 1 घंटे अराउंड वेट करना होता है। और 1 घंटे के बाद जो है आप इस अमाउंट को इंस्टेंटली अपने बैंक के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। कोई भी एडिशनल चार्जेस मुझे यहाँ पर नहीं पे करने होंगे। तो गाइस अब 1 घंटे के बाद जो है मैं वीडियो यहाँ पर ये शूट कर रहा हूँ और मेरा जो ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पर मेरे मर्चेंट अकाउंट के अंदर शो होने लग गया है, जो 500 रुपीज हमने ट्रांसफर किए थे। गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर रीसेंट ट्रांजेक्शन के अंदर 500 रुपीज आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, और साथ ही साथ आप यहाँ ट्रांजेक्शन में ये अमाउंट देख सकते हैं। और इसके अलावा अब अगर मैं यहाँ से सेटलमेंट्स के ऑप्शन के ऊपर गाइस क्लिक करूँ अपने मर्चेंट अकाउंट के अंदर, तो यहाँ से जो है मुझे अपने ये पैसे डायरेक्ट अपने बैंक में ट्रांसफर करने का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ही मैं यहाँ से गेट योर सेटलमेंट नाउ के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ गाइस, मेरा ये जो अवेलेबल अमाउंट है 500 रुपीज़ जो मुझे अभी रिसीव हुए थे, जो मैंने खुद ट्रांसफर किए थे अपने अकाउंट में, उसे जो है मैं अपने बैंक अकाउंट के अंदर इंस्टेंटली यहाँ पर विड्रॉ कर सकता हूँ। गाइज अगर आप अभी नहीं करते हैं तो ये नेक्स्ट डे जो है मॉर्निंग तक हो जाता है आई थिंक 9-10 बजे तक आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर। तो मैं सेटल नाउ के ऑप्शन के ऊपर यहाँ से क्लिक करूँगा और गाइज अब यहाँ पर देख सकते हैं आपकी जो मेरी सेटलमेंट की ये रिक्वेस्ट है यहाँ पर इन लोगों ने ये एक्सेप्ट कर ली है और ये जो अमाउंट है ये कुछ टाइम के अंदर जो है मेरे अकाउंट के अंदर यहाँ पर क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो गाइज जैसे ही ये अमाउंट जो है मेरे बैंक के अंदर ट्रांसफर होता है मैं उसका स्क्रीनशॉट भी आपको इस वीडियो के अंदर अटैच करके यहाँ पर दिखा दूंगा। तो गाइज आई होप आप लोगों को ये वीडियो पूरा अच्छे से समझ में आ गया है। गाइज फिर भी अगर इस ट्रिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। साथ ही साथ जो है आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी मैसेज करके आपका कोई भी अगर डाउट है तो वहाँ पर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। और